पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? देखिए जी, परसों ग्रहण लग रहा है और उसके 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक शुरू हो जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य वर्जित हो जाता है। उसके बाद भी अगर तय की हुई तिथि में विवाह हो रहा है तो वर वधु दोनों की जान खतरे में डालने जैसा होगा। पंडित जी, आप लोगों को तो ग्रहण के बारे में ऑलरेडी पता रहता है ना, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब अलग अलग पंचांग में अलग अलग तारीख बता रहे थे, लेकिन अब निश्चित हो गया है कि परसों ही ग्रहण है। अगर ग्रहण है तो कोई और मुहूर्त बताइए पंडित जी। कल दिन में 2 बजे बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और इस मुहूर्त में अगर विवाह हो तो पति पत्नी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पर पंडित जी, इतनी जल्दी ऐसे कैसे? पंडित जी, कल ही, बहुत कम टाइम मिलेगा सारी तैयारियां करने को। पंडित जी, ग्रहण के बाद कोई मुहूर्त निकाल सकते हैं? देखिए बहन जी, मुहूर्त तो कल का ही अच्छा है, उसके बाद अगले 4 महीने तक कोई अच्छा योग नहीं है। बाकी आप देख लीजिए। इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? देखिए जी, शादी तो सादगी से मंदिर में भी हो सकती है, पर हमारे हाथ से सुमुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। बाकी आप लोग की मर्जी। अब हमें अनुमति दीजिए। प्रणाम। चल राजीव, मैं मिलता हूँ। हाँ। पक्का ये राजीव की ही चाल है, ताकि मुझे इसका पर्दाफाश करने का वक्त ही ना मिले। अरे वाह, कितने अरमान से मेरे निमी को चूड़ा चढ़ेगा। मैं सुहाग के गीत गाऊंगी, हल्दी मेहंदी में खूब गिद्दा पाऊंगी, वो सब व्यर्थ हो गया। लेकिन बेबे, पंडित जी सही तो कह रहे थे, शादी के लिए सिर्फ लड़का लड़की और उनकी रजामंदी चाहिए। मुझे तो बस निमी चाहिए। शादी मंदिर में हो कहीं और हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर निमी को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तैयार हूँ। मेरी तो हाँ है। निमी, क्या हुआ? अरे किस बात की टेंशन ले रही है? तेरा भाई है ना? मैं हूँ, पूरा परिवार है, इतना स्टाफ है हमारे पास, आराम से शादी हो जाएगी। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी शादी कल होगी और धूमधाम से होगी। तेरे भाई का वादा है तुझे। आप लोग भी गाइस, कम ऑन, चेयर अप। शादी है रिम्मी की। शादी बिल्कुल वैसे होगी जैसे हमने प्लान की थी। क्यों चेकी? हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा था ना, ये शादी तो होके रहेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चैलेंज हारने के लिए तैयार हो जाओ अमृता।